मिला भी अक्सर घेर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें अपने लिए। तो आगे रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसीलिए अब यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करेंगे। प्याज मत डालना यार। प्याज डालेंगे भाई। हाँ प्याज मत डालना, मैंने ही कहा था प्याज डालने के तरह। तो यहाँ पर अब मैगी का कार्यक्रम शुरू है, अब नाश्ता करके ही जाएंगे। आग गोलू बहुत ही निपुण है कुछ नहीं कर पाने में, पानी। तो ये हम यहाँ पे अब हेलंग में रुक गए हैं। हेलंग की तस्वीर आप देख लो एक बार, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़। और यहाँ पर ये राशन आ रहा है, भाई लोग राशन उतार रहे हैं। पानी ले आता। होटल Chivin and restaurant. तो अब फिलहाल के लिए अगर आप थोड़ा सा भी बारिश हुई है तो लोग आपको कहेंगे कि कल्पेश्वर जा सकते हो। आप कल्पेश्वर आने का एक और रास्ता भी है। देखो हम जिस रास्ते से हैं वो एक रास्ता है, हम रुके थे पीपलकोटी, और एक दूसरा रास्ता है जो जोशीमठ से आ रहा है, जो इससे ज़्यादा अच्छी सड़क आपको मिलेगी वहाँ पे। ये क्योंकि हम जोशीमठ पहले आ चुके हैं, बद्रीनाथ जी गए थे हम, तो मुझे पता है कि वो रास्ता अच्छा है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ से आइए, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हेलंग, खुला हुआ है मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा दूर नहीं है हेलंग। और फिर यहाँ पर हेलंग में ही गाड़ी खड़ी करो अगर बारिश वारिश हुई है तो, क्योंकि आगे ना सड़क बहुत पतली है। कि आपको ड्राइवर और लोग यहाँ सजेस्ट करेंगे कि आप चले जाओ, आ भी रही है, देखो आप वहाँ से देखोगे तो एक दिख रही, दूर दिख रही होगी आपको, दिख रही है एक गाड़ी तो है, पर वो ना मेरे हिसाब से कोई बहुत मोटरेबल, बहुत अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है ऐसी तो आप जा सकते हो, या कोई SUV हो, लेकिन अगर ऐसी गाड़ी है तो आई थिंक यू शुड नॉट ट्राई दिस, है ना। वहाँ कहीं कहीं पर मिट्टी ज़्यादा हुई तो स्लिप होगा ज़्यादा, और ये वाले टायर, और क्योंकि स्पेस कम है उसके टायर भी देखो ना आप, इसके टायर का कंपैरिजन करो आप, इस टायर को देखो और उस टायर को देखो, तो चौड़े हैं और थोड़े बड़े हैं तो ग्रिप उनकी अच्छी होती है। और दूसरा गाड़ी भी बोलेरो का इंजन, और आपके पास जो गाड़ी होगी नॉर्मल जो आप रोज़ यूज़ करते होंगे 1100-1200 cc का इंजन, उसके उसके जो पावर है उसमें फ़र्क होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से 11-12 किलोमीटर का ट्रैक है महादेव के दर्शन करने के लिए, आप ट्रैक करके जाएं, हम भी जाएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे कैसे चलना है क्या चलना है। फिलहाल दिल्ली से यहाँ पीपलकोटी हम कल रात को रुके, अब हेलंग में है और ये मैगी बन रही है। इसको नीचे डालो, पत्थर को उल्टा करिए, सीधा उल्टा करिए, उल्टा कर पत्थर। तुम कहाँ गए थे? चाय बोलने के लिए गया था, अपने पास एक ही है गैस है ना, अंगीठी बाद में जलाएंगे ना, नहीं तो आग लगा के भी तो जला चाय बना सकते थे, बट टाइम थोड़ा कम है। ये बताओ कि हम यहाँ क्यों रुके हैं? हम यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि आगे का रास्ता हमारा ख़राब है। ये देखो ये, इसको इतनी कम मिलेगी मैगी, मुझे ये जितनी खा रहा है ये कच्ची। ऐसे कुछ चोर भी होते हैं ट्रिप में, तो सावधान रहो। ध्यान तो भाई बन बन में लगा लो, मक्खन का ध्यान ध्यान बनाए रखें, ठीक है। मैं ले रहा हूं, आप ले रहा हूं। कुछ लोग आपकी मैगी पे हमला करेंगे, कुछ लोग कोशिश करेंगे कच्ची मैगी खा जाए, पर ध्यान आपको रखना है, ऐसे लोगों को बन है, बन में बटर लगाएं, और बटर लगा मेरे को भी दो बन, बन किसने खाया था? मैंने नहीं खाया अभी तक। अच्छी बन गई मैगी, मैगी में मैगी मसाले के अलावा बटर बहुत सारा डाला है,
और पूरी टिक्की बटर चाप भी डाल दी है ना। अब दर्शन से पहले सोचा था कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन अब चाय खाना खा लेते हैं। ये देखिए हमारे भाई लोग, और मैगी खाकर और फिर यहाँ से निकलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।